हाय फ्रेंड्स माय नेम इज़ मीत एंड यू आर वाचिंग जॉब वैकेंसी अपडेट्स यूट्यूब चैनल आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज कब आएंगी जहाँ पे टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएट हर कोई एलिजिबल है अप्लाई कर सकता है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ चुकी है सो कौन कौन सी वैकेंसीज़ है किस तरीके से कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हर चीज़ को स्टेप बाई स्टेप हम कवर करेंगे आपने वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना है सो so, अगर आप चैनल पर फ़र्स्ट टाइम आए हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं सो so, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ पे जाएंगे अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज को चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते तो हुए बात करेंगे लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में पोस्ट ऑफिस की आप सबको पता है जब भी वैकेंसीज आती है इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं अप्लाई कर सकते हैं चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है दोनों एलिजिबल है दोनों अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज की के अगर बात करें इसमें असिस्टेंट के लिए ट्वेल्थ ग्रेजुएट एम के लिए टेंथ पास ट्वेल्थ पास मेल गार्ड के लिए टेंथ पास पोस्टमैन के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट भी अलग अलग कैटेगरी वाइज होती हैं इवन आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है ओबीसी को तीन साल का एस एस को पाँच साल का एंड अदर्स को एज़ पर नॉर्म्स ये आपकी डायरेक्ट जॉब होती है डायरेक्ट जॉब का मतलब होता है कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है किसी टाइप की कोई इंटरव्यू नहीं होती है डायरेक्टली आपकी इसमें सिलेक्शन होती है सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे इसमें सीधा आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है सो किस तरीके से अप्लाई करना रहता है कौन कौन सी वैकेंसीज है उसके लिए हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट की लेटेस्ट ऑफ वैकेंसीज की जहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है दोनों एलिजिबल रहते हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं ये 2022 का लेटेस्ट अपडेट हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई है ये जो वैकेंसीज है अलग अलग लोकेशन वाइज हमेशा आउट की जाती है अलग अलग लोकेशन के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं और अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग है यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है ठीक है ये बाई मिस्टेक लिखा गया है इसको आप इग्नोर करना यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें पोस्टल असिस्टेंट सोटिंग असिस्टेंट पोस्टमैन मेल गार्ड मल्टी स्टाफ की वैकेंसीज है ठीक है टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं मेरिट बेस्ड आपकी सिलेक्शन इसमें होती है फी की बात करें हंड्रेड रुपीज रहती है वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वो भी जो अनडिजर्वड है मतलब जो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए बाकी किसी के लिए कोई फी नहीं होती और ये वाली जो वैकेंसीज होती है ना इसमें नॉर्मली क्या होता है ऑफलाइन आपको अप्लाई करना रहता है नोटिफिकेशन इसका अभी नहीं है अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया था कि ये वैकेंसी जो है आपको पता है अलग अलग लोकेशन वाइज आउट होती है यहां पे क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं डिटेल्स जो शॉर्ट अपडेट आया था ठीक है उसके अकॉर्डिंगली तैयार रह सकते हैं और जो भी ये लेटेस्ट वैकेंसीज आएंगी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग